मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। करण जौहर ने आते ही काफी सारी चीजें की, वहीं पर प्रियंका और शिव ठाकरे को हस्बैंड एंड वाइफ बोल दिया है। आखिरकार ये माजरा क्या है, चलिए आप लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइज, अगर वीकेंड का वार हो रहा है, पिछली बार जो है ओटीटी में करण जौहर की होस्टिंग देखी गई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नौ इतनी भी ज्यादा सलमान खान से तो अच्छी नहीं है, पर हाँ इतना है कि वो सब पॉइंट्स जो है करण जौहर बोल देते हैं और किसी की सुनते नहीं है। पहली बात ये है, वो सुनते नहीं है, वो अपना बोल बोल के चले जाते हैं। इस बार भी जो है काफी सारे मुद्दे शायद उठने वाले हैं और वहीं पर जो है काफी सारे टास्क भी जो है परफॉर्म करने वाले हैं घर वाले। इसी बीच में करण जौहर जब आते हैं तब उन्होंने जो है घर वालों को कुछ सिचुएशंस दी है, जहां पर उन्होंने ये बात बोली है कि मान लो कि ये शो जो है 40 साल से चल रहा है, कंटिन्यू है 40 साल के लिए और अभी 25 साल हो चुके हैं और इस शो में जो है प्रियंका और शिव जो है हस्बैंड वाइफ है और आज के दिन पे 25वीं अपनी एनिवर्सरी ये लोग मना रही हैं, तो कैसे मनाएंगे। वो सिचुएशन जो है उन्होंने इस घर में शिव ठाकरे और प्रियंका को दी है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और 25 साल की एनिवर्सरी ये मनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीज आप लोग देखेंगे। वहीं पर उन्होंने एक और सिचुएशन दी है और वो सिचुएशन है अर्चना की, कि अर्चना की फाइट जो है वो हो रही है किचन में एमसी स्टैंड के साथ, ये एक सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जो एमसी स्टैंड का फैंडम है वो धीरे धीरे सुम्बुल के पापा का फैंडम बनते हुए जा रहा है, ऐसी सिचुएशन जो है देते हुए नजर आएंगे और उसके ऊपर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे बाकी बचे हुए घर वाले। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।